I, Dhrushluk. I'm Deepika. And welcome back to our channel, What the Fun. Richa, missing hai bhai, aaj to main itna khushi khushi baitha hu na, dekh rahe ho na aap log kitna khushi khushi hu main. Ye sirf na upar se aisa dikhata hai, theek hai, andar se he is like, yaar sacha kyun nahi aa rahi hai yaar, aise wo time kyun nahi adjust kar pa rahi hai. Ye zabardasti hai na. Everybody knows, theek hai, agar kisi din aisa, you know, if you guys ask us questions, sabse zyada koi patar patar karta hai na wo ye hai. I swear. And आज अच्छा नहीं है, बहुत मजा आ रहा है, सच्ची मजा आ रहा है. मैं खुला बैठा हूँ, देखो और कुछ नहीं, मैं खुला बैठा हूँ. ये जब मैं नहीं आती तब भी ये सेम लाइन्स मारता, जब रिचा नहीं आती तब भी ये सेम लाइन्स मारता, doesn't make sense. तो रिचा इज नॉट देयर आज भी, और आई थिंक कल और परसों भी शायद वो नहीं रहेगी वीडियोज के लिए. तो हमने सोचा इंस्टेड ऑफ हैविंग गैप, इंस्टेड ऑफ यू नो मिस करने से अच्छा वी शुड रिकॉर्ड इट. एंड आई नो आप लोग को अच्छा नहीं लगेगा कि रिचा नहीं है, एंड वी ऑल्सो अंडरस्टैंड, यू नो हमें भी नहीं पसंद आता कि अरे यार वो नहीं है. नहीं, मेरे को पसंद आता है. वो वाइब भी नहीं आता ऑनेस्टली, मतलब यू नो वो हाय गाइस में ही वो वाइब नहीं आता है. मैं इससे पहले ना एक कट हो गया था क्योंकि मैं वेट कर रहा था कि दिस इज रिचा, फिर मैं हमेशा बोलो आई एम श्लोक, इस बार मैंने दिस इज श्लोक बोल दिया. समझ गए, इस बार हमने इस मतलब एक्चुअली इट इज सो कंफ्यूजिंग क्योंकि एक रिदम रहता है साथ में कि हाँ ठीक है पहले वो बोलेगी, ये बोलेगा, मैं बोलूंगी, एंड देन दैट इज हाउ वी स्टार्ट. तो रिचा इज बिजी इन शॉर्ट, एंड वो एक दो दिन के लिए अवेलेबल नहीं है. एंड आई नो आप सब मिस कर रहे हो, उसने आप लोगों को कहा है दैट शी लव्स यू अ लॉट. ठीक है, सो ठीक है, टू डेज एंड इट्स फाइन राइट. सो वी विल सी हर अगेन आई थिंक ऑन तीन चार दिन, दो दिन बाद विल सी हर अगेन. सो आज हम बहुत एक्साइटेड है बिकॉज टुडे वी आर गोइंग टू रिएक्ट ऑन शाहवीर का वेडिंग पार्ट टू. एपिसोड 2 मेहंदी है भाई आज. या एंड इफ आप लोगों ने नहीं देखा है, हमने पार्ट 1 पे रिएक्ट किया है पहले, एंड वाज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज यू नो आप जब आप उनको एज अ स्टार देखते हो, एंड जब आप उनकी पर्सनल लाइफ में मतलब यू नो वो व्लॉग्स देखोगे, उनकी शादी के व्लॉग्स, उनके इमोशंस, आई फील एक बहुत डिफरेंट टच आता है. सो आज भी वही होने वाला है, हम एपिसोड 2 पे हैं. एपिसोड 1 काइंड ऑफ शादी की मेहंदी जब खराब हुई थी वहां पे एंड हुआ था, ओले गिर गए थे. एंड वी एक्साइटेड क्योंकि पार्ट 1 बहुत इंटरेस्टिंग था. सो इट इज पार्ट 2, लेट्स स्टार्ट दिस आर मेहंदी एपिसोड नंबर 2. हजरत जाफरी खानदान की जानिब से उनके पहले फरजंद की शादी तय पा गई है. Hey guys, this is Shavir and welcome back to episode number 2 of our Shadi documentary. We hope you enjoyed episode 1. If you haven't seen that, I would highly recommend you go and watch it before you continue on watching episode number 2. I just messaged Aisha and I asked her if this is an outer function and she said yes it is. I'm actually most concerned about we might not actually have the wedding. Oh, bro, itna ta pani hai bhai. Now back to our story. Bro, अगर बारिश में भी मेहंदी करनी पड़े ना, आज मेरी मेहंदी होके रहेगी. होके रहेगी? होके रहेगी. Do you really love her that much? नहीं bro, पैसे लगे. When there's a will, there's a way. When the band can't win, there's a bygone who can. There's a pop, there's a mom, there's some friends. They had plans, but you can't complain. You got to blame the rain. चार माह में जो बनाया एक छक्के ने उड़ाया, जगह चेंज करा के फिर से नया सेट लगाया. दुल्हन का दिल दुखाया, दुखाया. I've got something to show you. Show me. सच्चा प्यार. अच्छा डायरेक्टर एक ही होते हैं, एक बड़ी दो शराब. तुमने कभी शराब? Amazing. You learned it in 2 seconds. मेहंदी का इवेंट एक वो वाहिद इवेंट है जिसमें प्यार भी है और वार भी. ये डांस प्रैक्टिस खाली शो ऑफ के लिए नहीं, इट्स अ फुल ब्लोन कंपटीशन. टीम शावीर वर्सेस टीम आयशा, देखते हैं कौन किसको ज्यादा टफ टाइम देता है. हम लोग की परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट 25 सॉन्ग्स है, 25 सॉन्ग्स है, एंड देन ऑब्वियसली आयशा की साइड से भी परफॉर्मेंसेस होंगे, बट हम तो जान लगाने वाले हैं. ये हमारे बॉय की शादी है. ये कंपटीशन है लड़की और लड़के वालों के बीच, लगा संगीत अब बजा कर बीट अप, लेट्स हैव अ मीट अप, लेट्स गो टू फील देम, लगा के गाना ये दाने पे दाना, जरा सा वाइब कराना ओ फरजाना, तेरा नखरा नहीं चलेगा मेरे आगे ये तुझको बताना, मैंने तो तुझको हराना, तेरा बकरा बनाना. ये I just realized that girls are much, much, much better dancers than guys, and they learn faster too. ये कंपटीशन है, ये कंपटीशन है, yeah, yeah, yeah.
ये कॉम्पिटिशन है लड़की और लड़के वालों के बीच लगा संगीत अब बजाते हीट अप लेट्स हैव अ मीट अप लेट्स गो डिफीट देम ये कॉम्पिटिशन है लड़की और लड़के वालों के बीच लगा संगीत अब बजाते हीट अप लेट्स हैव अ मीट अप लेट्स गो डिफीट देम ये. Hey guys, before we continue on the rest of the vlog, we have a word from our sponsors, Wondershare Filmora 10. Are you thinking about editing your own videos but looking for a popular and easy to use editing software? Wondershare Filmora 10 will let you know how. Filmora is perfect for both beginners and experienced editors, including preset templates like effects, filters, transitions, and even tons of royalty-free music, so you can avoid any copyright claims. The reasons why I chose Filmora is because it has features like easy drag and drop, various video effects, and it's cheap when you compare the prices with some of the other editing softwares. Filmora 10 just released new features like auto reframe, AR stickers, audio effects, and film stock effects library from where I've used a lot of wedding related effects throughout my vlog. If you want to get into content creation but don't know how to start, I definitely recommend downloading Wondershare Filmora 10 in the description below and try it for free. Also, I would like to choose 5 lucky winners and give them a 1-year license if you comment create with Filmora right underneath this video. Now back to the video. First time I saw them together, they were at our house where I was living before. Red shirt, pehni thi, glasses pehen ke, and I knew he was going somewhere. But he told us, you know, I'm going to go meet this girl. I was like, okay. Especially jab maine dono ki chemistry saath dekhi na, jis tarike se ek dusre ko baithe hue the aur jaise wo nahi hota, naya naya pyar hota like, ji ji ji, main ye Shabir gaya, ab nahi milega. I still remember like, door se dono ne red pehna hua tha, dono aa rahe the. Jab aapko pyar hota hai, to us pyar ki khabar aapse pehle aapke doston ko hoti hai. शायद वो आपके चेहरे पे नजर आने लगता है, बस आप ही को नहीं पता होता. कोई चुपके से आपके दिल में रहने लगता है, दिल उसकी मौजूदगी का सोचने लगता है, नजर उसको ढूंढने लगती है और कदम कदम उसकी तरफ बढ़ने लगता है. पहले तो उसका थोड़ा बिहेवियर इस तरह का था कि he'll just talk and see where it goes with things and everything. But with Aisha, I've noticed a huge change. Like when you're in love with someone, you are just in love. फिर वो आयशा को लेके आया मेरे बड़े भाई के घर, पुरन भाई. Because when he met her, I was like, okay, yeah, मिल रहे हैं, कुछ होगा नहीं, क्योंकि जिस तरह शाबिर भाई हैं, I don't think he's gonna fall for anyone. That's the day I knew this was going to be something special. But when he said she's the one, I was like, what? We met in May, I think it was 7th May, and then I told my mom in January. He made a group chat and he added like all 5 of them. And then he's like, and he posted her picture on the WhatsApp group chat and he's like, how do I tell mom and dad? I just looked on the phone and I couldn't believe it. I'm like, what? Chale aate hain jo bina dastak diye, dil ka mehma ban gaya. दिल करता है फिर रहे उन्हीं का मेजबान बन के. टू चीज़ें, सॉरी. वो ये था कि उसके भाई ने मुझे बताया कि शाबिर की शादी हो रही है. कहा शाबिर मिलना है तो हम उसके घर गए, तो कहता जोया 15 तारीख को फ्री हो? 15 अक्टूबर को मेरी बर्थडे. सोया को मेरी बर्थडे के लिए कुछ कर रहा है बिकॉज आई मूव टू कराची. मैंने कहा हाँ हाँ मैं फ्री हूँ. कहता 15 से 20 तक फ्री हो? मैंने कहा हाँ हाँ मैं फ्री हूँ. तो कहता अच्छा. मैंने कहा क्यों? तो वो मेरी शादी है इसलिए. अभी तो सही तरह से ओले पिघले भी नहीं थे और हमारे लोअर थे कनाडा के बराती भंगड़ा डालने के लिए तैयार थे. Camera off of us. Look at you, boy. Look at you. I've known him for upwards of maybe 12 years now. Yes, so I was the first person to vlog with him. We're the OG Wolf crew. Okay? OG Wolf crew. I was 16 when I joined this whole Wolf crew. So when I met Shabir, I did not know him at all. Main Shabir ka first of all fan tha. First time I met Shabir, maine kaha ye Shabir hai? I was going to Lahore from Doha aur maine kaha yahan to Shabir jaati hai. That's how we met. Okay, let's go everybody. Aajo. Basically, we met through a friend. मतलब कि the first time I met him, what is this, you know? But it turns out that he is like reserved. It takes him a while to open up to other people.
शावीर की सबसे मजे की बात पता क्या है? तो शावीर इज द काइंड ऑफ गाय हु brings everybody together. Never saw himself above people. I think he's just too nice to say. Jin logo ko leke chal raha hai takes a lot. Matlab ki main nahi kar sakti thi. शाहरुख भाई ने बोला कि मैं पाकिस्तान आऊँगा तो तुम मेरे साथ मूव हो गए. मैंने कहा हाँ डन वाई नॉट. मैंने अपनी डिग्री छोड़ी, मैंने सब कुछ छोड़ा, मैंने कहा चलो जी लो. बिकॉज दैट्स जस्ट द बॉन्ड वी हैव विद शावीर. ही इज अ ग्लू हु इज होल्डिंग अस टुगेदर एंड आई थिंक दैट्स अ ह्यूज क्वालिटी. तस्वीर बैठा वेखदा वा तेरे तू है मेरी इन माय माइंड आई कैन गो विद यू आई नो यू वांट टू लीव. आई गेस हर रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन्स होती हैं, हमारी में भी थी. और बीच में हमारी एक लड़ाई भी हो गई थी. वी वर सपोज्ड टू मीट एंड वी कुडंट मीट. लाइक आई डिडंट शो अप सो ही वाज पिस्ड एंड देन ही वेंट बैक एंड देन He unfollowed me on Instagram. Like, okay, whatever. But he never unfriended me on Snapchat. So Aisha is the common element, na? Pehle mujhse mast le, pehle mujhse padde. Main meri pass ho gaya uske saath. You don't really take it seriously, but as time progressed and I saw that, you know, how passionate he was and how loving he was towards her, it was like, wow, this is real. Oh, let the world on freeze up. Back at tera socha smoke trees up. चाहता नहीं हो कर जे तू मेरी टीम है मैं तैयार सोनी चीज़ा देखो ये रीज़ा ये सामने क्या तू ही है खड़ी. And then after like a week or two, I messaged him, I emailed him with I'm sad and he was like okay we're cool. He was back to cool. Like Shabir is actually an introvert and I don't think a lot of people know this, but together I guess they just complement each other in that way where they have more similarities. Definitely Aisha brings out the nicest person. Shout out to Aisha's family jinhone 2 ghante ke andar pura mehndi ka set tabdeel kar diya. And not only that, it was an epic event. And now it's time for my shaadi and Valima's events. So I'll see you guys in the next episode. Lights out. Oh, bahut quick tha bhai ye. Oh my god, I think quickest 11 and a half minutes. Seriously, मेरे को लगा अभी तक तो बाकी है, अभी काफी सारी चीजें आने वाली, because 11 minutes इतना fast तो होगा नहीं. So how was it? How did you like it? क्या दो घंटे में पूरा change हुआ है यार, like पूरा setup अंदर. Yeah, and it is so difficult. Like third time पहले जब मेरी बहन की शादी हुई थी and वेदर था वो काफ़ी हद तक क्लाउडी हो गया ऑल ऑफ अ सडन. एंड ना गर्मी का टाइम था, नो वन एक्सपेक्टेड कि चलो बारिश आएगा ऐसा कुछ. एंड आई थिंक हल्के फुल्के ड्रॉपलेट्स भी गिरे थे लाइक 4 PM के आसपास. एंड शादी का फंक्शन एंड ऑल स्टार्ट होता है अप्रॉक्सीमेटली 8 PM. तो वी गॉट सो फ्यूरियस, यू नो वी लाइक क्या करना है कैसे करना है, मतलब यू नो बहुत हड़बड़ी हो गई कि वॉट इफ शादी में बारिश आ गई, हाउ विल दिस हैपन, बिकॉज नॉर्मली शादियाँ ओपन एरियाज में होती हैं. लेकिन थैंक गॉड कुछ हुआ नहीं. लेकिन आई कैन फील बट ये हमारे कजिन की शादी में, प्रियंका की शादी में. ओह या एंड अभी उनका तो इतना बड़ा सेटअप था, इतना ओपन ग्राउंड था, बहुत बड़ा ओपन ग्राउंड था उनका पूरा इवेंट था, यू नो उनके उनका एग्जैक्टली इवेंट था. लेकिन वहाँ पे कैसीनोज लगाए थे, वहाँ पे गेमिंग जोन बनाया था, वहाँ पे स्पेशल क्रूज आए थे सिंगिंग एंड डांस के लिए. एंड उस दिन बारिश, मतलब नॉट एग्जैक्टली बहुत ज्यादा बारिश, लेकिन बट सब खराब करने वाली बारिश, सब चीजें खराब. ऐसा होता है सब अंदर जा रहे हैं कि बारिश आ गई, फिर बारिश रुक रही है, सब बाहर आ रहे हैं, वापस बारिश आ रही है, अंदर जा रहे हैं. इट गॉट सो बैड, मतलब आई थिंक आई फील सो हैप्पी कि ये जो भी होना था ये 2 घंटे पहले चालू हुआ है यार. ड्यूरिंग द इवेंट अगर होता तो बैंड बज जाती, भले वो लड़की वालों के साइड हो लड़के वालों के साइड हो. एग्जैक्टली, बिकॉज यू नो इनका मतलब इन्होंने बहुत अच्छे से, इजिली तो नहीं बोलेंगे क्योंकि हमें पीछे का कुछ पता नहीं है, लेकिन ऑफकोर्स वो 2 घंटे में इन्होंने कितना ऊपर नीचे किया होगा, कितना सेटअप हिला के यू नो दिमाग लगाया होगा कि करना क्या है. एंड ये कोई भी एंगल से ऐसा नहीं लग रहा है कि चलो कुछ मिस हो गया उसकी वजह से कुछ न्यू बनाया नहीं, ऐसा लग रहा है प्री प्लान यही था, यही प्लान था, इसको एग्जीक्यूट किया. और कितने अच्छे से, आई एम सो हैप्पी कि वो लोगों ने वो चीज कितने अच्छे से एंजॉय की है. लेकिन एवरीबॉडी डांस सो मच एंड इतनी सारी चीजें एक साथ होना, इट इज अच्छा लग रहा है देख के कि चलो फंक्शन अच्छे से गया. नॉर्मली जब भी ऐसा कोई ऑकरेंस होता है अनफॉर्चुनेट, तब भी ऐसा लगता है कि अरे यार शिट,
अब पूरा फंक्शन बट ये क्वेश्चन आता है ये एपिसोड 1 में था कि नहीं शाबिर बोलता है ये मेरे टाइम पे ही क्यों एंड आई फील ये हर इंसान क्वेश्चन करता होगा कि भाई शादी बिकॉज शादी इज वन ऑफ द मेजर फंक्शंस सॉरी शादी इज वन ऑफ द मेजर इवेंट्स इन योर लाइफ लाइक यू नो शादी इज द ओनली थिंग जो इंसान इतना प्लान करता है इतना खर्चा करता है एंड एवरीथिंग एंड ऐसा कुछ होना इट इज सो पेनफुल टू नो लेकिन आई एम सो हैप्पी कि इन्होंने कितने अच्छे से उस चीज को आगे लेके गया एंड उन्होंने वो अंदर वाली जगह पे वो पूरा सेटअप बनाया एंड कमिंग टू डांस यार क्या अच्छे वो दिख रहा है कि भाई मजे हैं मुंह पे मजे दिख रहे हैं उनके यार कितना ये लोगों ने कितना एंजॉय किया है तो काफी सारी चीजें तो वो गाने में बार बार रिकॉर्ड करती है कोई स्टेप्स हो तो हम गाने मतलब यू नो बता पाए लेकिन यार कितना अच्छा लग रहा है कितना मजे किए इन्होंने एंड ये जो स्टोरी टेलिंग है मोरो की आई थिंक इट इज फैबुलस बिकॉज यू नो उन्होंने स्टोरी काइंड ऑफ वापस हिलाई है लेकिन इट इज नॉट अ सिंगल सीरीज ऐसा नहीं जा रहा वो पीछे वापस गए कि हाँ जब वो पहली बार मिले थे वो सब बातें हैं वो झगड़े की बातें फ्लो करना एंड उसको एग्जीक्यूट करना डिफिकल्ट है यार वेरी डिफिकल्ट एंड आई फील बहुत अच्छे से उन्होंने किया है वो क्योंकि नॉर्मली कोई और करता कोई भी करता इट इज वेरी इजी टू बी कंफ्यूज मतलब आप बहुत इजिली कंफ्यूज हो सकते हो कि अरे यार अभी तो ये बात चल रही थी अभी वापस वो झगड़े की बात कहाँ से आ गई लेकिन उनका जो फ्लो था वो बहुत स्मूथ था एंड मोरो आई थिंक यू नो उनके अंदर जो स्किल्स है हमने एडिटिंग स्किल्स या हमने जितना भी उनका काम देखा इट इज फैबुलस इट इज फैबुलस सो वी कांट वेट टू सी पार्ट 3 ऑनेस्टली इट इज सो एक्साइटिंग एंड हमने पार्ट 2 देख लिया एपिसोड 2 देख लिया एंड एपिसोड 3 इज लाइक द फाइनल वन आई गेस द शादी या सो आपको कल या परसों दोनों में से एक दिन वो दिख जाएगा एंड वी आर सो एक्साइटेड क्योंकि हम इसके बाद वो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं सो टेक केयर गाइस लव यू ऑल बाय बाय मैं एक्चुअली मेरे बीच में बहुत पॉजेस आ रहे हैं बिकॉज मुझे हैबिट है रिचा के कुछ ना कुछ बोलने मतलब यू नो नहीं अच्छा लग रहा है ऐसा नहीं मजा नहीं मेरे को नहीं मजा आ रहा मैं इतना बीच बीच में मुझे ऐसे फंबलिंग वाला फील आ रहा है कि मैं कुछ भी बोल रही हूँ लेकिन मेक सेंस राइट मेक सेंस टेक केयर पीपल बाय बाय स्टे सेफ टेक केयर